नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर अयोध्या से है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के तपोस्थली भरत कुंड पिंडदान और पिचासी मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध महान धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत में प्रसिद्ध है। पौराणिक स्थल भरत कुंड पर लगने वाला दो दिवसीय पिसाची मेला शुरू हो गया है। फिलहाल यह पौराणिक मेला भरत कुंड महोत्सव से लेकर भरत कुंड महोत्सव के समापन तक चलेगा। बताते चलें कि भरतकुंड महोत्सव में भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री व कद्दावर नेता के आने की उम्मीद है, जिनके द्वारा भरतकुंड महोत्सव का आगाज किया जाएगा। आज सुबह भोर से ही श्रद्धालुओं पिसाची कुंड में डुबकियां लगा रहे हैं। सरोवर पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। पूजा अर्चना करने के बाद भरतकुंड बाबा आरती कच्छ के सामने टांगे गए घंटों को बजाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में माना जाता है कि ना सौ काशी ना एक पिसाची की किंवदंती पुरातन काल से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि काशी में 100 बार स्नान करने से जितनी पुण्य मिलती है, यहाँ 1 बार स्नान करने पर उतना पुण्य मिलता है। जहाँ एक तरफ मेले में आए श्रद्धालुओं ने भरत की तपोस्थली भरतकुंड में पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युवा नेता रामजन्म निषाद अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मेले में आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क जल पिलाने का काम कर रहे हैं। उनकी समाज सेवा भावना को देखते हुए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अपूर्ण काम मैं पिछले 10 वर्षों से करता चला रहा हूँ। बता दें कि पौराणिक पिचासी मेला हर वर्ष भरत की तपोस्थली भरत कुंड पर लगता है। यही नहीं, यदि किसी व्यक्ति पर जानकार पंडितों का कहना है कि यदि किसी के ऊपर पिशाचों की साया हो तो वह दूर हो जाता है। पिछले वर्षों से इस वर्ष मेले में ज़्यादा दुकानें ज़्यादा भीड़ है। कर जा चुके हैं और पीते चले जा रहे हैं। ये निशुल्क शीतल जल वितरण की भावना आपके विचार में कहाँ से आई, मतलब ये आपके मन में कहाँ से विचार आया कि चल के जो है समाज सेवा की जाए? मैं यहाँ अक्सर, मेरा नज़दीक में ही घर है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बहुत कड़ी धूप होती है और लोग मेले में जाते हैं तो कोई चाट फ्रूट वगैरह तो खाते रहते हैं, लेकिन पानी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। लोग परेशान रहते हैं, पी नहीं पाते हैं, तो जब बाहर लोग निकलते हैं तो सोचते हैं पानी का कहीं कहीं मिल जाए, और आसपास पड़ोस में कहीं नल की सुविधा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा अगर यहाँ जल वितरण लगा दिया जाए तो लोग बहुत लोगों को पानी का मिल जाएगा और लोग पानी पियेंगे। और सब आशीर्वाद। आपका नाम क्या है, क्या पद है आपका? मैं रामजन्म निषाद नगर पंचायत भदरसा से, लालपुर वार्ड नंबर 3 से मैं सभासदका चुनाव भी लड़ चुका हूँ। आईबी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईबी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।